हमें पढ़ाए जो हम उनके साथ थे और हमें कुछ नहीं चाहिए। कमरवारी से आपका यहाँ रैली में आने का क्या मकसद है? हम अब मैं कश्मीरी में बोलूँगी। अम तारिक सोबस नीश राहुली सोबस नीश तेम्स इंतजार करा सु गोस यून अस वुछवान सुन गरीबी कर मसला हल शाडन मज बसान सुन कर मसला हल अस लकड़ लकड़ गारस मज बच्चे तुमनी हिंद खतर अस कोर पन सख्ती सून अस मगर सून बच ग सालन कहें अमे मूज तेमिस वोट दुत सह द्रा गदार अस ग वफादार अस करो अम सर फान कश्मीर इहद खतर गोल तो खेमो अंद खतर मगर यह जन रोन क्या यह पन लीडर रपन दान घर बार मान सो तोमल सिन तिल यह गरस मे सब वक्त आसान कहें वक्त हकान अकिस गरस तम पन घर पन अल पालान वक्त आसान यह सून खानदार बनिया कम ना बनिया कम तेल पे फाक बिह इंशाल्लाह खुशी सुन सख्ती गहल क्या खुशी अमार गर सून गरीबी हटे दपा गरीब को बाहर फेंको अमीरी आने दो। मैं जैनकोट से आया हूँ। आप क्यों आए हो यहाँ? क्योंकि हम कांग्रेस के साथ हैं। तो आप राहुल जी को देखने आए हैं? जी हाँ। कैसे लीडर है राहुल जी? बहुत अच्छे। आपका नाम क्या है बेटा? सफान। सफान कहाँ से आया आप? एचएमटी से। एचएमटी से? आज आप स्कूल नहीं गए? आज छुट्टी है। और यहाँ क्यों आए आप इस रैली ग्राउंड में? राहुल गांधी को देख। आपको राहुल गांधी पसंद है? हाँ। कैसे लीडर हैं राहुल जी? अच्छे। राहुल गांधी बहुत अच्छा है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। आप राहुल जी से मिलना चाहते हो? हाँ। आज आप स्कूल नहीं गए हो? नहीं, आज छुट्टी थी। आप क्यों आए हो यहाँ इस रैली में? क्योंकि मुझे राहुल गांधी से मिलना था और यहाँ बहुत सारे ये आए हैं, मैं भी आया। फिर तो क्या आपके साथ आपके कितने दोस्त आए हैं? मेरे साथ दो दोस्त आए। और अगर आप राहुल जी से मिलेंगे आप क्या बोलेंगे राहुल जी को? मैं बोलूँगा कुछ भी। आपको कुछ बोलना है राहुल जी को? नहीं, ऐसे ही मिलने आया था। आपको शौक है राहुल जी से मिलने? हाँ। का कैसे लीडर है राहुल जी? बहुत अच्छे लीडर है, कश्मीर को साथ देते हैं, बहुत अच्छा करते हैं हमारे साथ। तो आपको लगता है जो राहुल जी हैं कश्मीर की भलाई में? हाँ, कश्मीर की भलाई करते हैं, पिछली बार ने इनने हमें बचाया था। इससे पहले आप कभी राहुल जी की रैली में गए हो? नहीं नहीं, आज पहली बार जा रहे हो। हाँ। अगर आपको मौका मिले राहुल जी से मिलने का आप क्या बोलोगे राहुल जी को? जी, आज आपने राहुल जी को सुना। हाँ। राहुल जी की जो रैली थी आपने सुना, क्या आपके व्यूज हैं, क्या कैसे आप देखते हैं राहुल जी के भाषण को? मैं बहुत अच्छे से भाषण सुनती हुई भी हूँ, देखती भी हूँ अच्छे से, क्योंकि हमारे लिए वो एक मसीहा बन के आया है, हैं कश्मीर के लिए, ख़ास तौर के कश्मीर के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ कश्मीर में बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हाँ, मीटर है जो उनके लिए भी, उन मीटर के लिए भी सामना करना पड़ा, चावल के लिए भी करना, बच्चों के फ्यूचर के लिए भी सामना करना पड़ा, बेरोज़गारी के लिए भी सामना करा, जो लोगों का केरल मतलब कारोबार है उसके लिए भी सामना करना पड़ा, हमें बहुत चीज़ों के लिए हमने बहुत सामना किया। राहुल जी की स्पीच में सबसे अच्छी चीज़ क्या है जो आपको अच्छी लगी? मुझे राहुल जी की हर स्पीच बहुत अच्छी लगती है। हाँ, राहुल जी ने वादा किया कि अगर भाजपा स्टेट रूट नहीं देगी तो कांग्रेस सरकार दिलाएगी, तो आपको यकीन? हाँ, है इस बात पे? हाँ, मुझे उससे बहुत यकीन है, पूरा यकीन है उस पर। हाँ, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी बाकी लीडर से मुख्य? राहुल गांधी क्यों है? मैं बताऊंगी राहुल गांधी के, क्योंकि वो आगे से ही पीछे से ही क्यों अच्छे खानदान से हैं,
राजपूत खानदान से, उसके मतलब सोच समझ में बहुत सी फ़र्क हैं मोदी जी और उसके, बहुत मतलब बहुत उनके में फ्यूचर में फ़र्क है उनके लिए, दोनों में वो सोचते हैं एक दूसरे के लिए, एक मुसीबत समझते हैं। नाम? मेरा नाम सलीमा। सलीमा जी, सलीमा जी आपने राहुल गांधी को सुना, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, अगर वो ऐसे काम करेगा तो बहुत अच्छा है। आप अपना घर छोड़कर आए, यहाँ चूल्हा चक्की आपने नहीं की और यहाँ आप राहुल जी से मिले, तो क्या आशा थी, क्या उम्मीद थी कि राहुल जी क्या बयान देंगे और आपकी क्या आशा है? हम सोच रहे थे हम राहुल जी से सुने, वो उसका तो हम सुने, वो देखेंगे वो क्या करेगा, अगर हमारे लिए अच्छा करेगा तो अच्छा ही है, तो उसने जो बताया जो वो अगर वो करेगा वो बहुत अच्छा है हमारे लिए, हम गरीबों के लिए। तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी जी बाकी लीडरों से मुख्तलिफ हैं? जी जी जी, वो करेगा जो भी करेगा वो अच्छा करेगा। क्या उम्मीद है, क्या आपको लगता है कि कोई वक्त आएगा जब राहुल गांधी हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म होंगे? हाँ इंशाल्लाह होंगे, इंशाल्लाह होंगे। औरतों के कौन से मसाइल है जो आपको लगता है कि राहुल गांधी जी ठीक कर सकते हैं? बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ मसाइल होता है औरतों का, खासकर इन बूढ़ी औरतों को जिनका पति नहीं होते हैं, जो बूढ़े होते हैं बच्चों ने छोड़ दिया, इनके लिए वो अच्छा करेगा वो अच्छा है। आपका नाम क्या है बेटा? आलिया। आलिया, आलिया आप कहाँ से आए हो? मैं HMT से आई हूँ। HMT से, आप आज स्टूडेंट हो आप? हाँ। आज आप क्यों स्कूल की जगह यहाँ इस रैली में हो? आज स्कूल की छुट्टी थी और यहाँ आज राहुल गांधी आने वाले इसलिए। तो क्या आप चाहेंगे कि राहुल जी से मिलने? हाँ। अगर आपको राहुल जी से मुलाकात हुई तो क्या कहेंगे आप राहुल जी से? कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैसे लीडर है राहुल जी? अच्छे हैं, सब यही चाहते थे कि उनको वोट मिले बट नहीं मिल पाया। क्या आप चाहते हैं कि अगला प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी आए? हाँ। पढ़ा लिखा तुम चे गारा नमाज वन युत अस रोजगार मिलन अरीबी वुचम बेमार दारी तीन गरस मे यमिस यमिस अस वोट त्रो तम तम कोर अस जुलम अस तिमन गसान अस अस गेट त्रावान यल कहीं वन तिमन अस गसो तो गसो कोत अस लीडर तो अस कुछ लीडर तिमो वस खो लीडरो पनी पनी गर मगर अस गरीब करी तबाह वनान यह तारिक सोब यह कर सान खतर अम पे सीट लात दिम सान अमाम के खतर अम वो मे सीट जरूरत क्या मे अमाम जरूरत इसने पहले भी बोला आज भी बोलता है मुझे अपना सीट नहीं चाहिए मुझे अपना कश्मीर चाहिए ये कश्मीर के लिए आया है कश्मीर के लिए ये जीतेगा ये हमारा वादा है। राहुल जी क्या कर सकते हैं कश्मीर के लिए? वो भी कर सकते हैं, उसने बोला हमको साथ दे दो हम तुम्हारे पास है, मेरा दरवाजा आपके लिए हमेशा के लिए खुला रहेगा बंद नहीं हो जाएगा, वो आएगा खुशी का पैगाम आके, तो जब से उसने कदम बढ़ाया है तब से हमको कोई घाटा नहीं हुआ है। देखिए आप सख्त आप देख सकते हैं कि जो आज राहुल गांधी जी का दौरा है ये दूसरा दौरा है कश्मीर वैली में, ये आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे हज़ारों की भीड़ जुड़ चुकी है ये प्यारों मोहब्बत से जुड़ चुकी है। एक चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी कि जो राहुल गांधी का नारा है हमें नफ़रतों के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, काफ़ी हद तक वो उसमें सक्सेसफुल हो गए हैं मोहब्बत की दुकान खोलने में। आप देख सकते हैं कि जो हमारा मैनिफेस्टो है कांग्रेस पार्टी का या जो हमारे अलायंस कैंडिडेट्स जितने भी हैं उस चीज़ का मैनिफेस्टो आप चेक कर सकते हैं, हम लोगों ने आज तक आप देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए किसी ने जॉब रिजर्वेशन नहीं रखी थी, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जॉब हैं हम लोगों ने ऐलान कर दिया है कि 50% हम लोग रिजर्वेशन रखेंगे महिलाओं के लिए, या वर्किंग वुमेंस के लिए हॉस्टल्स बनाएंगे, या युवा जो हमारा युवा इस टाइम पर बेरोजगार हैं जितनी भी जॉब वैकेंसीज अभी फुल होनी है इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है पूरी कोशिश करेंगे कि जो जम्मू कश्मीर में है अलायंस की सरकार बनेगी गठबंधन की सरकार बनेगी तो उस चीज़ में सारी वैकेंसीज पूरी हो जाएगी। सायमा जी राहुल जी के मोहब्बत की दुकान से यहाँ के लोगों को क्या मिलेगा? अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि एक चीज़ तो जो मैंने खुद यहाँ पे पर्सनली नोटिस की है कि यहाँ की जितनी भी रीजनल पार्टीज थी बोल रही थी कि जी कमिटेड वोट है माँ बाप जिसे चाहेंगे उसी को वोट दे सकते हैं, लेकिन एक चीज़ में राहुल जी सक्सेसफुल हो गए हैं कि युवाओं को पॉलिटिकल मैदान में लाना, युवाओं की सोच को बदलना, युवाओं को इस मैदान में लाके एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना कि वो भी इलेक्शन लड़ सकते हैं,
एक मेडिकल मिडिल क्लास फैमिली से जो युवा है, एक बच्ची है, उसको उन्होंने मौका दिया। मैं अपनी बात करूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूं, मुझे कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है यहां आने का। कांग्रेस पार्टी ने यह ऐसे विचार यहां पे विचारधारा अपनी छोड़ी कि एक युवा अपनी सोच बदलने पर मजबूर हो गया। यहाँ पर हमें काफ़ी बच्चे देखने को मिल रहे हैं, तो क्या ये हम समझे कि ये बच्चे खुद आए हैं या इनको लाया गया है ताकि ये रैली को थोड़ा एक शो ऑफ स्ट्रेंथ जिसे कहें? बच्चा अगर देखेंगे ये बोलते हैं कि खुदा का घर है, बच्चे को कोई वरगला नहीं सकता, बच्चा जो भी करता है अल्हम्दुलिल्लाह अपने मन से करता है। और जो ये भीड़ है ये किसी पैसे से खरीदी हुई भीड़ नहीं है, ये प्यारो मोहब्बत से आई हुई भीड़ है। हंड्रेड्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन अटेंडेड मेगा इलेक्शन रैली ऑफ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी इन श्रीनगर टुडे। द जुबिलेंट वुमेन सैंग सॉन्ग्स एंड डांस्ड इनसाइड दिस मेकशिफ्ट टेंट टू वेलकम देयर फेवरेट लीडर। Will Rahul Gandhi's Mohabbat Ki Dukaan offer some solace to these women and children once Jammu and Kashmir gets a new government after October 8? Only time will reveal. In Srinagar, for One India, Izhar Ali.